Hi guys, ouch! Oh, are you hurt? Shh, you! Shh, that stings! Ooh. Yuck! Oh. Hey! Keep quiet! Guys, क्या आपको पता है ये सभी क्या है? ये सभी interjections हैं. तो अगर अभी तक आपने सिर्फ हुर्रा, अलास, ब्रावो ऐसे interjections के बारे में सुना है, तो सिर्फ उतने interjections नहीं होते. बहुत सारे ऐसे interesting interjections हैं जो native speakers अपनी English में, यानी कि written हो या फिर spoken, दोनों में use करते हैं. और ये सब के सब बड़े मजेदार हैं, जैसे कि वूहू. उसके अलावा अगर आपको ठंड लग रही है तो आप बोलते हैं इस तरीके से. ये सारे इंटरजेक्शंस आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें. इसलिए उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें. लेट्स बिगिन. यहां पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. तो चलिए यहां सीखते हैं. Hey guys, my name is Kanchan and you're watching English Connection. Basic English Grammar series का ये है part 15. Day 15 है आज. आज का टॉपिक इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है ये. इसके बाद हम टेंसेस सीखेंगे. तो आगे की वीडियोस तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि जो आप इसके बाद सीखने वाले हैं वो तो बेहद इंटरेस्टिंग है. तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. An interjection is a short word. ध्यान रखिएगा, short word or phrase. A phrase क्या हो गया? जैसे अगर आप बोलते हैं oh, तो ये एक interjection है, short word. और अगर आप बोलते हैं oh God, तब ये एक phrase हो गया. ठीक है? That shows sudden feeling or emotion. मतलब कि अचानक से आपके emotions को व्यक्त करने के लिए ये words आप use करते हैं. जैसे कि bravo, hurrah. आप खुशी में चिल्लाते हैं हुर्रा. कोई कुछ अच्छा सा काम कर देता है, आप कहते हैं ब्रावो, यू डिड वेल. अलास, अलास आप यूज करते हैं जब आप दुख व्यक्त करते हैं. ग्र, गुस्से में. ग्र. ब्र, ब्र आप यूज करते हैं जब आपको ठंड लगती है. आई एम कोल्ड. इस तरीके से श, जब आप चुप कराते हैं श, तो भी ये वर्ड आप यूज करते हैं. You आप यूज करते जब कोई चीज गंदी लगती है. यू, दैट स्टिंक्स. मतलब कि उसमें से बदबू आ रही है. यू. बू, बू आप यूज करते हैं जब कोई कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो आप कहते हैं ना बू. या फिर आप इस तरीके से भी बोलते हैं जब किसी को आप डराते हैं पीछे से आके, बू. उसके लिए भी ये यूज होता है. आउच, जब आपको चोट लगती है. आउच, दैट हर्ट्स. ये क्या है? टी एस के ये है. ऐसे बहुत सारे आप इसमें सीखने वाले हैं वर्ड्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बनाने में भी बहुत मजा आ रहा है. एक बात नोटिस कीजिएगा, इंटरजेक्शंस आर फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसे बोलते हैं जिसमें एक डंडी होती है, फिर उसके नीचे एक पॉइंट, एक डॉट. ठीक है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, विच इटसेल्फ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन. जो कि खुद इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. इट इज यूज टू एक्सप्रेस इमोशन. जैसे कि अगर कोई बोलता है गो देयर, दिस इज अ कमांड, गो देयर, वहां जाओ. लेकिन अगर कोई गुस्से में बोलता है आई सेड गो देयर, तब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, क्योंकि ये एक इमोशन व्यक्त करेगा. ठीक है? तो यहाँ पे जोर देके गो देयर, इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया. तो मोस्टली एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इनके बाद, बट जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आए ही. तो ये आप प्रैक्टिस के जरिए अच्छे से समझ पाएंगे. अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक इंटरजेक्शन की एक एक सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सके, क्योंकि इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करना मुश्किल है. किसी किसी के लिए आपको मिल जाएगी. जैसे हम बोलते हैं बू को भू, हिंदी में भूस आवाज निकलता है और इसमें भू की आवाज निकलती है, लेकिन सबको ट्रांसलेट करना मुश्किल है. इसलिए सेंटेंसेस में ये समझ सकते हैं कि इन्हें कैसी सिचुएशन में यूज करना है. तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं लेकर आती हूँ एग्जांपल्स. सो गाइज, आप चलिए करते हैं प्रैक्टिस एक एक इंटरजेक्शन की. तो फर्स्ट वन इज यू एम या यू एम एम, दोनों तरीके से लिखते हैं.
ये आप तब यूज करते हैं जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में बीच में रुक जाते हैं कुछ सोचने के लिए. जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, मतलब कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ख्याल है इसके बारे में. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मुझे नहीं समझ आ रहा. तो इस तरीके से जब आप कुछ सोचने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं तो आप एकदम से पॉज नहीं देते, वहां पे का यूज करते हैं, तब आप यूज करते हैं. नेक्स्ट इज आओ, ये आप तब यूज करते हैं जब आप पेन एक्सप्रेस करते हैं कि पेन हुआ. आओ, यू स्टेप्ड ऑन माय टो, तुम मेरे पैर की उंगली पर चढ़ गए. आओ, तो जब पेन एक्सप्रेस करना हो तो आओ. नेक्स्ट इज ऊप्स. ऊप्स यू यूज व्हेन यू आर सरप्राइज्ड एट योर ओन मिस्टेक, जब आपने खुद से कोई गलती कर दी उस पर सरप्राइज्ड हैं तब आप ऊप्स यूज करते हैं. जैसे कि आप बोलते हैं ऊप्स आई ड्रॉप्ड इट अगेन, ऊप्स मैंने ये फिर से गिरा दिया, ऊप्स आई डिड इट अगेन, मैंने ये फिर से कर दिया. तो अपनी ही गलती पे सरप्राइज होते हैं तब आप ऊप्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज अर भी आप यूज करते हैं की तरह, जब कोई कुछ पूछता है और आप सोचने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं या फिर हेजिटेशन में भी आप फ्लो में नहीं बोल पाते तो आप इन चीजों को यूज करते हैं. मान लीजिए कोई आपसे पूछता है डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है, या काइंड ऑफ, तो इस तरीके से आपने बोला, फिर बोला हाँ थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से आप गैप को फिल करते हैं इससे. और मान लीजिए कोई पूछता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलते हैं द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली. तो इस तरीके से आप और का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज यू. यू का आप यूज करते हैं जब आप डिस्कस्ट दिखाते हैं, मतलब कोई चीज गंदी है, घिन सी आती है, तो आप बोलते हैं यू. दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ईडब्ल्यू और फिर ईडब्ल्यूडब्ल्यू. ईडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू भी बहुत लोग लिखते हैं. यू इट्स सो डर्टी, यू ये कितना गंदा है, ठीक है. तो यू करके आप डिस्गस्ट दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट इज यक. यक भी डिस्गस्ट के लिए यूज होता है, जब कोई चीज गंदी सी लगती है तो आप बोलते हैं यक. आई कांट इवन टच इट, मैं तो इसे छू भी नहीं सकती, यक, इस तरीके से. नेक्स्ट इज ओ. स्पेलिंग आप ए डब्ल्यू या ए डब्ल्यू डब्ल्यू या ए डब्ल्यू 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 भी बहुत लोग लिखते हैं, तो सबको प्रोनाउंस करेंगे ओ, ठीक है. इनके यूसेज अलग अलग हैं. आप जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ Oh, look at the cat. It's so cute. Here you are showing sentimental approval. मतलब कि जब कोई चीज आपको बहुत क्यूट सी लगती है, मान लीजिए कोई एनिमल है, ये छोटा सा बेबी, तो oh, look at that. इस तरीके से आप बोलते हैं, वहां पे आप इस तरीके से यूज करेंगे. और या फिर when you are feeling sorry or pity for someone, जैसे कि oh, you don't know how to ride a bike. और तुम्हें बाइक चलानी भी नहीं आती, तो इस तरीके से आप oh का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज shoe. शू. शू आप यूज करते हैं जब आप किसी जानवर को या छोटे बच्चों को भगाते हैं, तो शू ऑल ऑफ यू, भागो तुम सब यहां से, आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं. सो शू ऑल ऑफ यू, यहां मान लीजिए बच्चों के लिए बोला, मान लीजिए कोई डॉग है या कैट है, आप भगाते हैं तो आप बोलिए शू शू, इस तरीके से शू का यूज होता है. नेक्स्ट इज इस तरीके से आप किसी को बुलाते हैं, इसे लिखेंगे पी एस एस टी. ये आप तब यूज करते हैं जब आप चाहते हैं कि जिसे आप बुला रहे केवल वही सुने और कोई ना सुने. इवन क्लास में टीचर पढ़ा भी रही होती है तो भी बच्चे दूसरे किसी को बुलाने के लिए पस पस करके बुला लेते हैं, ठीक है. तो जैसे सेंटेंस है पस, व्हाट्स द टाइम, समय क्या हुआ है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर बिफोर दे कम, उनके आने से पहले चलो यहां से निकल चलते हैं. तो क्योंकि सीक्रेटली बात कर रहे हैं तो आपने बुलाया पस, ओके. The next is brr, brr. ये आपको brr की आवाज निकालनी होगी इसके लिए. और ये आप यूज करते हैं जब आपको ठंड लग रही हो, brr, it's so cold, ठीक है. नेक्स्ट इज या ये आप यूज करते हैं व्हेन यू क्वेश्चन समवन, किसी को आप कुछ पूछते हैं या फिर किसी ने कुछ बोला और आप चाहते हैं कि वो रिपीट करे क्योंकि आपने ठीक से सुना नहीं. मान लीजिए कोई कहता है डिड यू हियर व्हाट आई सेड, तो आप बोलते हैं ए, से इट अगेन, तो ए, या फिर हाँ व्हाट डिड यू से, हाँ, हम हिंदी में भी बोलते ना हाँ हाँ करके क्वेश्चन करते हैं, वैसा ये हाँ व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने. तो इस तरीके से क्वेश्चन करने में आप इन्हें यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अर्ग. ये आप फ्रस्ट्रेशन में करते हैं यूज, जब आप अनॉयड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तब आप अर्ग करके गुस्से में बोलते हैं. जैसे मान लीजिए बहुत शोर हो रहा है तो आप कहते हैं ओह जस्ट कीप क्वाइट.
तो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में आप इसे यूज करते हैं. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, पे लेकर मैं आती हूं कुछ और वर्ड्स. अब सीखते हैं कुछ और इंटरजेक्शंस. नंबर 13 इज बू. बू आप दो तरीके से यूज करते हैं. एक तो जब आप किसी को डराते हैं, सडनली ही येल्ड बू, तब आप यूज करते हो. और दूसरा बू गेट ऑफ द स्टेज, मतलब कि जब कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता तो आप कहते ना बू, मतलब कि बुरी परफॉर्मेंस है. नेक्स्ट इज ब्रावो. ब्रावो आप यूज करते हैं जब आप किसी को जैसे शाबाशी देना होता है ना, कि कोई कुछ अच्छा करता है तो आप कहते हैं ब्रावो, तब आप यूज करते हैं ब्रावो, यू डिड ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा किया, ब्रावो. ठीक है. नेक्स्ट इज हाय. हाय, हेलो, हे, ये भी इंटरजेक्शंस में आते हैं. तो जब आप किसी को मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाय, हाउ आर यू, या फिर हाउ आर यू डूइंग, तो ये एक इंटरजेक्शन है. नेक्स्ट इज हेलो. हेलो, हैप्पी न्यू ईयर. हेलो, हैप्पी बर्थडे. तो इस तरीके से आप इनका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज हे. जब आप किसी से मिलते हैं तो भी आप हे बोलते हैं, उसके अलावा आप किसी का अटेंशन पाने के लिए बोलते हैं, हे लिसन, ए सुनना. तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना ए करके हम किसी को बुलाते हैं, वैसे ही इंग्लिश में हे करके बुलाते हैं. नेक्स्ट इज अलास. ये आप तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज के लिए सॉरी फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, दुख प्रकट करते हैं. जैसे कि कोई आपसे पूछता है आर यू कमिंग टुमारो, क्या तुम कल आ रहे हो, अलास नो, मतलब दुख की बात है, नहीं आ रहा. ठीक है, इस तरीके से आप अलास का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज हुर्रा या फिर रे. ये आप तब यूज करते हैं जब खुशी का माहौल हो, या फिर जब आप कोई गुड न्यूज पाते हैं, हुर्रा, इट्स टाइम टू गो होम, घर जाने का समय हो गया, हुर्रा, या फिर हुर्रे, इस तरीके से. नेक्स्ट इज ये. ये भी आप इसी तरीके से यूज करते हैं, और ये का मतलब होता है जैसे आप कहना चाहते हैं यस, उस तरीके से ये. यू वॉन, तुम जीत गए, पूछा जा रहा है, इट्स अ क्वेश्चन. सो यस, जवाब आया हाँ, ये, खुशी से ये, इस तरीके से आप यूज करते हैं. नेक्स्ट इज मैं. मैं आप यूज करते हैं जब आप ये दिखाते हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ खास नहीं है ये चीज, तब आप कहते हैं मैं. जैसे कि मैं, देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट, इसमें कुछ खास नहीं है, मैं. नेक्स्ट इज आप बोलते हैं ना जब आप ये कहते हैं हाँ, तो इस तरीके से बोलते हैं तो आर यू ऑल्सो गोइंग, क्या तुम भी जा रहे हो, यानी कि हाँ. नेक्स्ट इज ओह. इसे हम कैसे भूल सकते हैं, ओह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शन है, इसके कई सारे मतलब होते हैं, और जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना अरे, उस तरीके से हम इंग्लिश में बोलते हैं ओह, सो अरे. रियलाइजेशन के लिए ये यूज होता है, ओह यस, अरे हाँ, या फिर जब आप सरप्राइज होते हैं तो भी यूज करते हैं, ओह हाउ अमेजिंग, अरे कितना कमाल का है, तो सरप्राइज हो गए, इस तरीके से ओके और भी यूजेस हैं. नेक्स्ट इज आहा. ये आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है, या फिर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और आपको वो याद आ जाए, तब आप बोलते हैं आहा. ठीक है, इसको सेंटेंस में देखते हैं आहा, आई गॉट इट. आप कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही आपको समझ में आता है कहते हैं आहा, आई गॉट इट, या फिर आप कुछ सोच रहे हैं आहा, इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ईक. ईक इज अ गर्लिश स्क्रीम. जब लड़कियां चिल्लाती ईक करके चिल्लाती, जैसे कुछ स्कैरी सा देख लिया और डर सी गई हूं, तो उसके लिए मान लीजिए एक चूहा देख लिया तो कहती ईक, देयर इज अ रैट. सो ईक, देयर इज अ रैट, इस तरीके से नहीं यूज करना. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं लेकर आती हूँ कुछ और इंटरजेक्शंस. Now guys, some more interesting interjections. Number 26 is D-U-H. Pronounce करेंगे D. D आप तब use करेंगे. Sentence देखिए D. He is saying anything. D वो कुछ भी बोल रहा है. तो आप तब use करेंगे जब कोई कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि जो बातें वो बोल रहा है वो एकदम बेकार की बातें हैं. ठीक है, तो when you find someone is saying something stupid, then you use this D. Next is shh. जब आप चुप रहने के लिए बोलते हैं तो आप श तो बोलते हैं, साथ ही आप शुश लिख रहे हैं अगर, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इवन बोला भी जाता है. जैसे कि अगर आप इसे कहते हैं शुश, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, सो चुप रहो, शुश. नेक्स्ट इज ग्र. ग्र आप यूज करते हैं जब आप गुस्से में होते हैं, तो गुस्से में ग्र, गो और आई हिट यू, जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वाओ.
वाओ तो आपको पता ही है, जब आप कोई चीज देख के सरप्राइज हो जाते हैं तब यूज करते हैं, उसके अलावा जब आप इम्प्रेस होते हैं किसी चीज से तब भी आप यूज करते हैं. वाओ डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया है. वाओ. नेक्स्ट इज या, ये एक स्लैंग है आपको पता ही है, यस के लिए ये यूज होता है या. तो अगर आपसे कोई कुछ पूछता है कि क्या तुम ये लेना चाहोगे, या व्हाई नॉट, सो यू कैन यूज इट दिस वे. नेक्स्ट इज यिप्पी, जब आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं यिप्पी, कोई काम बन जाता है तो. इट्स रेनिंग, आई डोंट नीड टू गो टू स्कूल, बारिश हो रही है मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, यिप्पी, सो खुश हैं आप. नेक्स्ट इज टस्क टस्क या फिर टट टट, ये जो अपने जीभ से आप आवाजें निकालते हैं लाइक या फिर, तो ये उनके लिए यूज होते हैं. सो रिटन इंग्लिश में आप इस तरीके से लिखेंगे और वहां आप इसे ऐसे बोल भी सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं टस्क टस्क या फिर टट टट. ये यूज होते हैं टू शो डिसअप्रूवल. मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि बारिश हो रही है तब भी तुम बाहर जा रहे हो, तो कहते हैं टट टट आई गेट सोक्ड, तो यहां इसका मतलब हो गया धत मैं भीग जाऊंगा. तो धत कहने का यहाँ मतलब ये हो गया कि नहीं मैं नहीं जा रहा. सो टू शो डिसअप्रूवल, तो आप सिर्फ सिंगल टट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया धत. नेक्स्ट इज आहा, ये आप तब यूज करते हैं जब आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ, यस के लिए यूज होता है. आई वेंट देयर एंड, कोई आपको बता रहा है कि मैं वहां गया और, तब से आप कहते हैं आहा, मतलब आप सुन रहे हैं, फोन हिम. या फिर कोई आपसे पूछता है कि डिड यू हियर व्हाट आई सेड, आहा, ठीक है, इस तरीके से. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का. नेक्स्ट इज अ, ये यू एच है, ये एच यू एच है, इवन ये सिर्फ एच यू भी यहाँ लिखा जाता है. ये यूज होता है जब आप किसी चीज के लिए मना करते हैं, मतलब नहीं बोल रहे हैं आप. हैव यू सीन माई पेन, तुमने मेरा पेन देखा, मतलब नहीं, इस तरीके से आप यूज करते हैं. नेक्स्ट इज आउच, आउच आप यूज करते हैं जब सडन फिजिकल पेन, यानी कि अचानक से आपकी बॉडी में कहीं पेन हो या फिर आपको लग जाए तब आप यूज करते हैं, जैसे आउच दैट हर्ट्स, मतलब आउच दर्द हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज आछू या फिर अटिशू, आछू जब आप छींकते हैं अछू, उसके लिए यूज करते हैं. तो अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं और अटिशू भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने सुना ही होगा पोयम रिंगा रिंगा रोजेस, उसमें है ना अटिशू अटिशू वी ऑल फॉल डाउन, तो वहां यही अटिशू यूज हुआ है जिसका मतलब होता है छींक की आवाज, ठीक है. नेक्स्ट इज जेड 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 या फिर जी जी जी, इसे दोनों ही प्रोनाउंस करते हैं जेड या फिर जी, और ये यूज होता है रिटन में जब कोई सो रहा है तो खर्राटे की आवाज को दिखाने के लिए ज ज ज, ठीक है, इसे ज आप प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपने कंप्लीट किया 38 इंटरजेक्शंस, और ये बहुत ही अच्छे इंटरजेक्शंस हैं जो आप मोस्टली यूज करते हैं. अब आपको ये भी पता चल गया रिटन में कैसे यूज करना है और स्पोकन में कैसे यूज करना है. गाइस एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें. अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भी पार्ट मिस कर दिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाके उन्हें वन बाय वन देख सकते हैं. फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं शुरुआत कर रही हूं टेंसेस की. टेंसेस का इंतजार आप सभी को काफी दिनों से है, तो बस कल से यानी कि नेक्स्ट डे से वो वीडियो आ रही है, वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वहां से आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है इंग्लिश सीखने की. सो बाय फॉर नाउ.